नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिक्षा अकेडमी की इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी भर्ती बोर्ड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपडेट जो कि अभी अभी ऐलान किया गया है उत्तर प्रदेश के DSP के द्वारा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं क्या अपडेट है आज का। दोस्तों, सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही बड़ी न्यूज़ रहेगी। यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी नया अपडेट आएगा तो अब तक पहुंचाने में हमें आसानी हो। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आपको एक बात ज़रूरी यह बता दें कि यदि आप प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हैं, आपके पास नोट्स की कमी रहती है, तो आप हमारे नोट्स भी से पढ़ सकते हैं। जैसे कि दोस्तों, यहाँ पर जो हमारे नोट्स हैं, यहाँ पर बहुत सारे नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ। जैसे कि मैं आपको बता दे रहा हूँ, यह दोस्तों गणित के नोट्स हैं, यहाँ पर बहुत सारे हैं PDF फाइल में। यह दोस्तों लगभग 5 से 10 GB का डाटा यहाँ पर मेरे पास रहेगा, जो कि दोस्तों हर प्रकार की यहाँ पर गणित आपके लिए मिल जाएंगी। गणित के नोट्स यहाँ पर मिल जाएंगे दोस्तों, और गणित के बहुत सारे वैरायटी भी आपको यहाँ, गणित रीजनिंग की बहुत सारी वैरायटी मिल जाएंगी। हर प्रकार की आपको यहाँ पर PDF मिल जाएंगी। देखिए दोस्तों, यह दोस्तों गणित के नोट्स हैं बहुत सारे हैं। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर हम आपको प्रोवाइड करा सकते हैं साइंस के नोट्स या बुक्स। दोस्तों, साइंस के ऐसे बुक्स रहेंगे जो कि आप मार्केट में यदि खरीदने जाओगे तो लगभग 200-300 रुपए की एक बुक्स पड़ेगी। लेकिन दोस्तों, मैं PDF के माध्यम से यह बिल्कुल फ्री मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, आपको करना क्या है इसमें पाने के लिए, आपको यह करना है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम और ईमेल आईडी जरूर डाल दीजिए, ताकि जो भी मैं आपकी यह लिंक रहेगा, यहाँ से मैं लिंक आप तक पहुँचा सकूँ। जैसे यह लिंक आप पर पहुँचाएंगे, आप लिंक पर क्लिक करेंगे, आप यह जो सभी हैं भाई आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपन यहाँ पर चलते हैं। वो न्यूज़ थी या फिर अपडेट था भाई, अपडेट क्या था उस अपडेट को हम यहाँ पर जानते हैं। यदि आपको यह डाटा चाहिए हो तो आप कमेंट जरूर करें, क्योंकि यदि नहीं करना हो तो कोई बात नहीं, यदि करना दोस्तों यह निःशुल्क दिया जा रहा है हमारी शिक्षा अकेडमी की तरफ से, आप इसको भी ले सकते हैं, इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चलते हैं और जानते हैं यहाँ पर कुछ अपडेट जो मैं आपको बताने वाला था। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दें, जो ये न्यूज़ अपडेट आया था भाई न्यूज़पेपर में आया था। न्यूज़पेपर कब आया दोस्तों? यह दोस्तों लखनऊ में प्रकाशित किया गया था बुधवार 28 नवंबर को। ठीक है, लखनऊ में बुधवार 28 नवंबर पेज नंबर 2 पर यह खबर प्रकाशित की गई थी। चलिए जानते हैं क्या खबर थी दोस्तों। यह सबसे नीचे आपने देखी यह जो खबर थी दोस्तों, यहाँ पर हेडलाइन यह दी है कि पुलिस के लिए 2019 होगा ईयर ऑफ द ट्रेनिंग। DGP ने ऐलान किया है। ठीक है, यह DGP ने ऐलान किया है। चलिए दोस्तों, इसको डिटेल से अपन पढ़ लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर लिखा है कि DGP बोले हैं कुंभ मेला, लोकसभा चुनाव और 1,00,000 पुलिस कर्मियों का प्रतिक्षणों की चुनौती होगी। यानी कि जो अभी 40,000 की हो चुकी है और 40,000 और होने वाली है, सभी टोटल मिलाकर लगभग 1,00,000 पुलिस कर्मी हो जाएगी जिनको ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, कितनी 1,00,000 के समथिंग ट्रेनिंग होगी दोस्तों। इसमें लिखा गया है कि यूपी पुलिस के सामने आगामी वर्ष में लोकसभा चुनाव, कुंभ का मेला और 1,00,000 पुलिस कर्मियों का प्रशिक्षण की चुनौती है। इस वजह से अगले साल को DGP OP सिंह ने ईयर ऑफ द ईयर घोषित किया है। ठीक है, ईयर ऑफ द ट्रेनिंग घोषित किया है और इसे चुनौती के रूप में स्वीकार कर तैयारी शुरू करने की बात मंगलवार को पुलिस लाइन में कही। वह यह कहा कि मंडलीय अपराधों की समीक्षा और अकेडमी में प्रशिक्षण ले रहे 16 IPS को संबोधित करने आए थे जब इन्होंने यह बात कही थी। DGP ने बताया कि प्रदेश में गत वर्ष अपेक्षा इस वर्ष अपराध के आंकड़ों में गिरावट आई है और संगठित गिरोहों पर वारदात नहीं कर रहे हैं। फिरौती की वारदातों पर काबू पाया गया है। थानों में लोगों से पुलिस के व्यवहार में सुधार आया है, लेकिन अभी इससे संतुष्ट नहीं है। प्रदेश में महिला पुलिस की 3 बटालियन बनाई जाएंगी। ठीक है, कितनी महिला पुलिस की 3 बटालियन बनाई जाएंगी, इसमें से 1 लखनऊ, दूसरी मुजफ्फरनगर में और दोस्तों तीसरी है जो कहीं और स्थापित की जाएगी। ठीक है, अगले साल करीब 1,29,000 सिपाहियों की भर्ती कर उनका प्रशिक्षण कराना है। ठीक है, और इसके लिए दोस्तों जालौन और सुल्तानपुर में 2 प्रशिक्षण केंद्र बनाए गए हैं। ठीक है, 2 नए बनाए गए हैं जिनका उद्घाटन या फिर शुभारम्भ 1.5 माह के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। यानी कि इनका शुभारम्भ होने वाला है
योगी आदित्यनाथ के द्वारा। दोस्तों नौ प्रतिक्षण संस्था की क्षमता 6,000 से बढ़कर 12,000 की जाएगी। प्रदेश में 39 नए थाने बनाए जाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है, इसमें मुरादाबाद के सात थाने भी शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है 30 साल पहले अच्छी थी पुलिस यूपी पुलिस की छवि, लेकिन अब कुछ समय से यहाँ पर बिगड़ गई है क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर अपराध हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो यह आपके लिए बहुत जल्दी या फिर बहुत बड़ी अपडेट होने वाला था, ठीक, इसलिए मैंने सोचा आपके लिए इसको इन्फॉर्मेशन कर दे दूँ। ठीक है दोस्तों, बात आई दोस्तों यूपी पुलिस रिजल्ट की, तो यूपी पुलिस रिजल्ट है जो कि जल्दी ही आने वाला है, यानी कि आप एक से या दो दो या तीन दिसंबर की समथिंग यह रिजल्ट भी आ जाएगा। और दोस्तों आप इसकी टेंशन मत लीजिएगा कि कब रिजल्ट आएगा और कब आपका यहाँ पर दौड़ या फिजिकल होगी, तो दोस्तों आप इससे निश्चिंत रहिए क्योंकि जो रिजल्ट आएगा उसके लिए आपको टाइम मिलेगा फिजिकल के लिए। जैसे रिजल्ट आएगा उसके कुछ दिन आपके लिए मिलेंगे ताकि आप फिजिकल की अच्छे से तैयारी कर सकें, उसके बाद दोस्तों आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसके बाद होगा। तो दोस्तों चलते हैं और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।